जापान में टोयोका शहर के पास योगो प्रांत में एक गोताखोर योसुके तनाका को एक विशालकाय स्क्विड के साथ तैरने का मौका मिला। तनाका का सामना खुद से भी बड़े यानी तकरीबन 8.2 फुट लंबे स्क्विड के साथ हुआ। तनाका टोयोका शहर में अपनी पत्नी के साथ गोताखोरों के लिए टी स्टाइल नाम का रिसोर्ट चलाते हैं। एक लोकल फेरी चलाने वाले ने तनाका को बताया कि सी ऑफ जापान की सतह के पास एक बड़ा स्क्विड तैर रहा है। वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस विशाल काय स्क्विड को देखा और उसके साथ तैरने का उनको मौका भी मिला। विशाल काय स्क्विड गहरे समुंदर में रहते हैं और इन्हें तभी देखा जा सकता है जब मौत के बाद ये बहकर किनारे पे आ जाते हैं या फिर ये किसी मछली पकड़ने वाले के जाल में गलती से फंस जाते हैं। तनाका कहते हैं कि स्क्विड को देखकर उन्हें पहले तो बहुत डर लगा क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। स्क्विड आमतौर पर 40 से 50 फुट के हो सकते हैं। खास बात यह है कि इसके आकार को देखते हुए इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। स्क्विड का जीवन तकरीबन 5 साल का ही होता है। इनका मुख्य भोजन मछलियाँ या छोटे स्क्विड होते हैं। कई बार उन्हें भेल के पेट में भी पाया जाता है यानी शिकारी भी है और अक्सर शिकार भी बन जाते हैं। स्क्विड के बारे में लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं। जापानी जीव विज्ञानी सुनेमी कोबिडोरा ने सी ऑफ जापान के तटीय जल में जनवरी और मार्च के बीच बड़ी संख्या में विशाल स्क्विड होने की बात कही थी। 2016 में एक शोध में कोबिडोरा और उनके सहयोगियों ने उन 3 महीनों में 57 विशाल स्क्विड खोजने की सूचना दी थी। इसमें 28 जीवित थे। तनाका का कहना है कि जब वो स्क्विड के पास पहुंचा तो करीब आधे घंटे तक उसके साथ या उसके आसपास तैरता रहा। स्क्विड धीरे धीरे तैर रहा था लेकिन वो उससे दूर जाने की लगातार कोशिश कर रहा था।